हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके डीआईवाई बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट डीआईवाई के अंदर न्यूज़पेपर का यूज़ किया है। न्यूज़पेपर के इस तरीके से स्ट्रो बना लेनी है। उसके बाद में मैं जिस तरीके से आपको वीडियो में बता रही हूँ उस तरीके से आपको राउंड राउंड करना है अच्छे से। तो इसको अच्छे से मतलब प्रॉपर तरीके से आपको राउंड राउंड करना है। इसके आपको दो पीस बनाने हैं इस तरीके से। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और ये DIY बनके बहुत सुंदर लगता है और ज़ीरो बजट DIY होने वाला है कि हमारा। इस तरीके से आपको राउंड राउंड करके आपको अच्छे तरीके से एक प्रॉपर गोला बना लेना है। जो भी साइज़ का आप लेना चाहते हैं उस साइज़ का बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का एरिया का राउंड बनाया है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर अपने हाथों को प्रॉपर यूज़ करना है और इसे लूज़ नहीं छोड़ना। अगर आप लूज़ छोड़ दोगे तो पूरा खुल जाएगा। सेकेंड स्ट्रिप लगाने के लिए आपको इस तरीके से अंदर की तरफ फेविकॉल लगानी है। उसके बाद में इस स्ट्रिप को अच्छे से इसके अंदर डालना है, जिससे क्या होगा है कि ये बाहर नहीं निकलेगी और हमारा ये दो राउंड बन के तैयार हो गए। इनको अच्छे से सिक्योर करने के लिए इनके ऊपर आप फेविकॉल और पानी का मिक्सर बना के और इनके ऊपर कोट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि DIY हमारा ख़राब नहीं होगा और काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा DIY चलेगा। और बनाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको फेविकॉल और पानी का कोट दोनों तरफ करना है, यानी एक तरफ ही नहीं आगे भी करना है और पीछे भी करना है। जिधर हम कलर करने वाले उधर ही कोट करके नहीं छोड़ना, हमें दोनों तरफ ही आपको कोट करना है, जिसकी वजह से इसमें एक अच्छी तरीके से फेविकॉल की लेयरिंग हो जाएगी और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में सूखने के बाद में हम इसके ऊपर वाइट कलर का कलर करेंगे और हमेशा कलर सूखने के बाद ही दूसरे कलर अप्लाई करना चाहिए। कभी भी एक कलर के ऊपर दोबारा कलर यूज़ करने से पहले उसे ड्राई देख लेना चाहिए कि वो ड्राई हो गया या नहीं हो गया। कई बार हमें क्या होता है, हमें DIY कंप्लीट करना होता है और हम जल्दीबाजी में दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं और हमारा पूरा DIY ख़राब हो जाता है। इसके अंदर मैं आई बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं सबसे पहले ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। पहले इसके अंदर मैं बीच का मैं ब्लैक कलर किया है, फिर इसके अंदर मैंने ब्लू कलर किया है, फिर लास्ट में मैंने जो एरिया है जो बॉर्डर है वहाँ पर भी ब्लू कलर यूज़ किया है, लेकिन उसका डार्क शेड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। मैं यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इसे मुझे नहीं पता है, लेकिन आई का सिंबल होता है ये, एक तरीके से जैसे नज़र वगैरह नहीं लगती वो उस तरीके का। तो ये मैं अभी वॉल डेकोर बनाने वाली हूँ, जिससे मैं डोर पे हैंग करने वाली हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये DIY कंप्लीट हो जाएगा और आपको इस तरीके से प्रॉपर एक एक एरिया के अंदर आपको कलर करना है। कलर की फर्स्ट लेयर के बाद में भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके DIY में प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आई है, तो आप कलर का सेकंड कोट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसका सेकंड कोट भी अप्लाई किया है, जिसकी वजह से काफ़ी डार्क दिख रहा है। यहाँ पे हम टेशल बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर की ऊन का यूज़ किया है। तो इस तरीके से आपको 10 टाइम्स राउंड राउंड करके और इस तरीके से आपको गांठ बांध के जिस तरीके से मैं वीडियो भी कर रही हूँ उस तरीके से आपको करना है। तो इससे आपकी टैशल बनके तैयार हो जाएगी और इसके अंदर हमें ज़्यादा हैवी टैशल नहीं लगाना है, नॉर्मल सी जो ज़्यादा दिखे ना बस नॉर्मल लगे इस तरीके की टैशल बनानी है। तो इस तरीके से टैशल बनाने के बाद में हम इसको हैंग करेंगे और इनके अंदर प्रॉपर तरीके से हम इसे लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, या तो हम ऊन का धागा ले सकते हैं या फिर हम ब्लैक कलर का जो रेशम का धागा आता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो कढ़ाई के लिए जो धागा यूज़ होता है उसका यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेंथ मेजरमेंट कर रही हूँ कि कितनी लेंथ में मुझे टैशल लगानी है। तो उस लेंथ को मेजरमेंट करने के बाद में मैंने यहाँ पर टैशल लगाया है और उसके बाद में जो भी बीड्स आपको लगाने हैं, कोई भी कलरफुल आप लगा सकते हैं जो आपकी इच्छा है। यहाँ पर मैंने एक तो वुडन टाइप के बीड्स का यूज़ किया है और कुछ जो मेरी पुरानी राखियों के जो बीड्स थे उनका यूज़ किया है। तो इस तरीके से आपको जैसे आप चाहते हैं वैसे उस तरीके से आप बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का इसको डेकोर करना चाहते हैं। आप इसके अंदर जो फर आते हैं जो हम ड्रीम कैचर में यूज़ करते हैं वो भी आप इसकी जगह लगा सकते हैं और 3 साइड में लगा सकते हैं, जिससे काफ़ी सुंदर लगेगा। इस तरीके से मैंने इसको हैंग कर लिया और उसके बाद में मैं ये जो छोटा वाला पीस है उसे ऊपर की तरफ अटैच कर दूंगी और ऊपर की तरफ बीड्स लगा के इसे डेकोर में यूज़ करूंगी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट DIY बनके कंप्लीट हो जाएगा।
और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो ऐप आया है कम्प्लीट हो गया है। ये इसका फाइनल लुक है। नेक्स्ट जो ऐप है बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक कार्डबोर्ड कट किया है। उसके ऊपर यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फेविकॉल और पानी का मिक्सर बना रही हूँ। तो इस तरीके से आपको इसका मिक्सर बना लेना है। आपको इसके अंदर फेविकॉल थोड़ी ज़्यादा रखनी है और पानी का जो अमाउंट है वो कम रखना है। ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, अगर आप ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो टिश्यू अच्छे से प्रॉपर स्टिक नहीं होगा कार्डबोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले आपको टिश्यू को लेके इस तरीके से अच्छे से फाड़ लेना है, क्योंकि इस तरीके से करने पे जो लाइन है वो सारे रिमूव हो जाते हैं और अच्छे तरीके से ये अच्छे से स्टिक होता है। तो इस तरीके से मैंने एक टिश्यू पेपर ले लिया, उसको अच्छे से प्रॉपर फाड़ लिया है। और इस तरीके से आपको कार्डबोर्ड के पहले आपको कार्डबोर्ड पे जो मिक्सर हमने बनाया उसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से प्रॉपर फैलाना है, और फिर उसके ऊपर टिश्यू पेपर को अच्छे से रख के और फिर उसके ऊपर एक और लेयरिंग करनी है आपको, जो हमने घोल बनाया है फेविकॉल और पानी का। तो इस प्रोसेस को आप आराम से करें। और टिश्यू की अगर आपको कार्डबोर्ड के ऊपर टिश्यू की लेयर ज़्यादा करनी है तो आप इसके ऊपर एक और टिश्यू की लेयर कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल रखना है, आपको सिर्फ टेक्सचर चाहिए टिश्यू वाला, तो आप सिर्फ एक लेयरिंग तक भी रुक सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसकी 2 लेयरिंग की हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेक्सचर ज़्यादा चाहिए था, जिससे मैं कलर करूँ तो भी इसका टिश्यू का टेक्सचर थोड़ा दिखे। तो इस यहाँ पर मैं टिश्यू को साइड में भी लगा रही हूँ, क्योंकि जो इसके साइड के एडजेस हैं वो भी अच्छे से हाइड हो जाएं और ये डीआईवाई काफ़ी अच्छा लगे और इसके अंदर कोई भी अजीब सा ना दिखे इस वजह से। तो इसके डेकोरेशन के लिए बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जूट की जो थ्रेड आता है उसका यूज़ करा है। तो इस तरीके से आपको चोटी गूंथ लेनी है। आपको इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर रखनी है और अच्छे से आपको ऐसी 2 स्ट्रिप बना लेनी है। इसको प्रॉपर बनाने के बाद में आपको उस नीचे की साइड में या तो गांठ लगा देनी है या फिर आप इसे टेप की हेल्प से भी शिकार कर सकते हैं, जैसे ये खुले ना। ये DIY सूखने के बाद में हम इसके ऊपर कलरिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है। इसके अच्छे से इसकी बॉर्डर में ब्लू कलर में रखने वाली हूँ और इसके जो सेंटर का एरिया उसको मैं येलो कलर देने वाली हूँ। तो इसके पूरे कलर को आपको अच्छे तरीके से करना है। और इसके अंदर आपको अगर कम कलर खर्च हो तो उसके लिए आप इसमें पानी मिक्स करके ब्रश में लेके भी आप लगा सकते हैं। ये DIY बनाने के लिए आपको कोई भी सामान ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में हमने क्या करा है कि जो हमने जो चोटियाँ गुथी थी उसको प्रॉपर इस तरीके से लगा दिया है। आप चाहें जैसे जिस तरीके से भी लगा सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे आपके DIY में। उसके बाद में यहाँ पर मैं वेलकम होम लिखूँगी और यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का यूज़ करके और 2 नंबर ब्रश का यूज़ करके मैंने यहाँ पर ये घर का जो भी होता है सिंबल वो बनाया है, कि जिससे थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन भी ऐड हो जाए और ये खाली खाली भी ना लगे। तो आप इसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं या कुछ और कोड भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने वेलकम लिखा है, तो आप जिस भी फॉन्ट में लिखना चाहते हैं वैसा फॉन्ट आप प्रिंट कर लीजिए और उसके बाद में आप इसके ऊपर ट्रेस करके ब्लैक कलर या कोई भी जो आपको कलर पसंद हो वो वाला कलर लिख के आप इसके ऊपर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रिंट निकालना नहीं था और मुझे डायरेक्ट DIY जल्दी कंप्लीट करना था, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसमें जल्दी से वेलकम होम लिख दिया। और लास्ट में यहाँ पर मैं पिंक कलर का यूज़ करके और होम के दोनों की तरफ एक तो H की तरफ हार्ट का शेप बनाऊंगी और एक E की तरफ हार्ट का शेप बनाऊंगी, जिसकी वजह से जो ये खाली वाला एरिया है वो अच्छे से प्रॉपर भर जाए और हमारा DIY ज़्यादा खाली खाली ना लगे। तो ये यहाँ पर मैं हार्ट बना रही हूँ। तो इस हार्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 12 नंबर ब्रश का यूज़ करा, जो थोड़ी बड़ी होती है, तो ये थोड़ी बड़े साइज़ के हार्ट हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा करने की कोशिश की है, लेकिन ये ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था तो मैंने फिर इसे छोड़ दिया। तो ये हमारे DIY का फाइनल लुक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और DIY चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आप किस पे वीडियो देखना चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।